हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम अंकित है। गाइस, अगर आप एक कार ओनर हैं तो आपको पता होगा कि कार के इंटीरियर में जो पार्ट सबसे जल्दी गंदा होता है वो है कार का डैशबोर्ड। कार का डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, और अगर आप प्लास्टिक मटेरियल को प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन और प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये फेड हो जाएगा। कार के प्लास्टिक पार्ट्स को ट्रीट करने के लिए आपको दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक होता है डैशबोर्ड या प्लास्टिक क्लीनर, और एक होता है डैशबोर्ड रिस्टोरर। ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग काम करते हैं, और कार के प्लास्टिक को अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए आपको दोनों ही प्रोडक्ट का यूज करना होता है। यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है जेस्टा का डैशबोर्ड क्लीनर, और जो रिस्टोरर है वो है द क्लीनिंग गाइस का डैशबोर्ड रिस्टोरर। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो आप चेक कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद रिजल्ट्स के बिफोर एंड आफ्टर के इजी कंपैरिजन के लिए यहां पर मैं अपने कार के डैशबोर्ड को एक मास्किंग टेप से सेपरेट कर रहा हूं, जिसमें आपको बता सकूं कि पहले और बाद में कितना फर्क आया है। कार के प्लास्टिक पार्ट्स और डैशबोर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं एक प्लास्टिक क्लीनर का। आपको इस प्लास्टिक क्लीनर को कार के डैशबोर्ड पर या फिर जिस भी प्लास्टिक एरिया को आप क्लीन करना चाहते हैं उस पर स्प्रे करके कुछ एक सेकंड के लिए छोड़ना होता है, और फिर एक माइक्रोफाइबर टॉवल लेकर इस प्लास्टिक एरिया को आपको स्क्रब करके क्लीन करना होता है। अगर आप जो माइक्रोफाइबर टॉवल यूज कर रहे हैं उस पर भी इस डैशबोर्ड क्लीनर के थोड़े से स्प्रे कर देंगे तो इससे जो माइक्रोफाइबर टॉवल है वो डैम्प हो जाएगा, और इससे और भी ज्यादा अच्छे क्लीनिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस छोटी सी टिप को जरूर ट्राई करना। क्लीनर का यूज करने से प्लास्टिक सरफेस पर जो भी स्टेन्स, ऑयल और डर्ट वगैरह लगी रहती है वो सब क्लीन हो जाती है। क्लीनिंग के बाद हम यूज करते हैं एक डैशबोर्ड रिस्टोरर या डैशबोर्ड ड्रेसर का। रिस्टोरर को यूज करना भी काफी सिंपल होता है। आपको सिंपली कुछ ड्रॉप्स इस तरीके से कार के डैशबोर्ड पर डाल देनी है, और कुछ ड्रॉप्स इसके साथ आए हुए फोम एप्लीकेटर पर लगाकर सिंपली इस सॉल्यूशन को आपको डैशबोर्ड पर मसाज करना होता है, ताकि जो डैशबोर्ड है वो अच्छे तरीके से इस सॉल्यूशन को सोक कर ले। गाइस, अपने लिए कोई भी डैशबोर्ड ड्रेसर या डैशबोर्ड रिस्टोरर खरीदने से पहले ये जरूर से चेक कर लीजिए कि उसमें यूवी प्रोटेक्शन है या नहीं। बिना यूवी प्रोटेक्शन वाले डैशबोर्ड रिस्टोरर्स किसी भी काम के नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे डैशबोर्ड रिस्टोरर्स को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क आया है लेफ्ट और राइट एरिया में, जो हमने अभी अभी क्लीन और डिटेल किया है। और एक और अच्छी बात ये कि जो दो प्रोडक्ट आज हमने यूज किए हैं वो दोनों ही प्रोडक्ट काफी सस्ते आते हैं। लेकिन केवल डैशबोर्ड को ही क्लीन करना काफी नहीं है। अभी हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को चेक करने वाले हैं कि क्या ये मेरी कार के हैवीली सॉइल्ड डोर पैनल्स और फेडेड प्लास्टिक वगैरह को ट्रीट और रिस्टोर कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं वाटर टेस्ट के बाद पानी से धोने के कारण यहां पर जो रिस्टोरर है उसकी एक हल्की सी लेयर कम हुई है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको हल्का सा एक ट्रांजिशन दिख रहा होगा। केवल क्लीनर वाला जो पार्ट है वो एकदम फ्लैट और फेडेड है,
और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन साफ साफ दिख रहे हैं, और जो अनक्लीन वाला पार्ट है वो पानी से धुलने के कारण उसकी धूल थोड़ी सी कम हो गई है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की। तो गाइस मैं दो डैशबोर्ड रिस्टोरर और दो डैशबोर्ड क्लीनर का गिव अवे कर रहा हूँ। अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड राइड सेफ।